Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn about UKG class maths. In this lesson, we are learning about colors. Do you know colors? रंगों का नाम मालूम है? पहले ही हमने learn कर रखा है. हाँ, थोड़ा थोड़ा पिछले साल भी हमने learn किया था colors name. इसी साल इसमें और आगे लर्न करेंगे. आज हम कलर्स के बारे में लर्न करेंगे. देर आर थ्री प्राइमरी कलर्स. प्राथमिक तीन रंग होता है. आर ई डी रेड, बी एल यू ई ब्लू, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येल्लो. क्या क्या है प्राइमरी कलर्स? आर ई डी रेड, बी एल यू ई ब्लू, वाई डबल एल ओ डब्ल्यू येल्लो. तीन बेसिक कलर होते हैं. इसका स्पेलिंग याद है? अगर याद नहीं तो याद कर लेना. फिर दूसरा सेकेंडरी कलर्स. सेकेंडरी कलर्स मतलब ये प्राइमरी कलर्स हम एक दूसरे से मिलते हैं. सेकेंडरी कलर रेड प्राइमरी कलर है, ब्लू प्राइमरी कलर है. ये रेड और ब्लू मिक्स करेगा तो हमको पर्पल कलर मिल जाते हैं. समझ में आया? क्या क्या मिक्स करना है? रेड एंड ब्लू. रेड एंड ब्लू मिक्स करेगा तो पर्पल कलर बन जाते हैं. अगर घर पे आपको मिल जाएगा तो पोस्टर कलर रेड और ब्लू निकाल के मिक्स करके देखो, पर्पल कलर आ जाएगा. नेक्स्ट येलो एंड रेड, ये भी बेसिक कलर है, प्राइमरी कलर है. येलो एंड रेड, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येल्लो, आर ई डी रेड. ये दोनों मिक्स करेगा तो क्या मिलेगा? ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, संतरे का कलर मिल जाता है. ये पर्पल कौन सा कलर है? बैंगन का कलर. ये है पर्पल बैंगनी. ऑरेंज संतरे का कलर है. नेक्स्ट ब्लू एंड येलो. पहले हम रेड एंड ब्लू मिक्स कर दिया, फिर रेड एंड येलो मिक्स कर दिया, अभी येलो एंड ब्लू मिक्स करेंगे. ये दोनों बी एल यू ई ब्लू, वाई ई डब्ल एल ओ डब्ल्यू येल्लो. ये दोनों मिक्स करेगा तो हमको ग्रीन कलर मिल जाता है. समझ में आया? रेड एंड ब्लू मिक्स करके पर्पल बैंगनी कलर मिल जाते हैं. येलो एंड रेड मिक्स करके ऑरेंज कलर मिल जाते हैं और संतरे का कलर. ब्लू एंड येलो मिक्स करके ग्रीन मिल जाते हैं. ग्रीन कौन सा कलर है? बहुत अच्छा कलर है, जो नेचर में देखते हैं सारे पेड़ का पत्तियाँ ग्रीन कलर होता है. होता है क्या? हाँ, पेड़ का पत्ती का कलर ग्रीन है, हरा रंग है. और कुछ पत्तियों अलग रंग का भी होता है. सारे पत्ती में कुछ पेड़ अलग से होता है, उसमें और कलर मिल जाते हैं. वाइट कलर मिलते हैं और ऑरेंज कलर मिलते हैं, रेड कलर मिलते हैं, पिंक कलर मिलते हैं. ऐसे पौधा भी है उसमें ग्रीन कलर नहीं है, लेकिन उसमें उसके अंदर भी ग्रीन है, वो ग्रीन कलर छुपा हुआ है अंदर. अगर ग्रीन कलर नहीं है तो पेड़ खाना नहीं बनेगा. पेड़ खाना बनाते हैं क्या? हाँ, पेड़ खाना बनाने के लिए कौन सा कलर चाहिए? ये ग्रीन कलर चाहिए. ग्रीन पत्ती में बस खाना बनेगा, नहीं तो कहीं भी खाना नहीं बनेगा, हमको खाना नहीं मिलेगा. समझ में आया? ये प्राइमरी कलर्स थ्री एंड सेकेंडरी कलर्स थ्री. ये कलर का नाम अपना कॉपी में लिखना और लर्न भी करना. समझ में आया? याद करना है कौन सा कलर मिक्स करके दूसरा सेकेंडरी कलर मिलते हैं. ये अच्छे से रीडिंग करना, याद करना. ओके, थैंक यू.